अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुले राना, यू वॉचिंग मी ऑन समथिंग हॉट चैनल, और सब्सक्राइब करें और बेल को हिट करें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हॉट टू हॉट, माय नेम इज हसन चौधरी, यू वॉचिंग मी ऑन समथिंग हॉट। It's my great pleasure, it's my great honor, it's my great privilege because I have with me somebody I look up to. मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। हम जब से ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं, जब उनकी परफॉर्मेंसेज को रिव्यू करते हैं, फ्लाइंग किसेस गैलोर, हम उनको तारीफों के पुल भी बांध चुके हैं, आप देख चुके हैं। मेरी बहुत ख्वाहिश थी काफ़ी अरसे के साथ कि हम उनका इंटरव्यू करें, वो ख्वाहिश आज पूरी होने जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड दी ओनली गुले राना जी। अस्सलाम वालेकुम गुले राना जी। वालेकुम अस्सलाम हसन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिफोर वी बिगिन द इंटरव्यू, आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबॉडी कि आज मेरी गुले राना जी से पहली मुलाकात है और मुझे करीबन एक घंटा में हो गया यहाँ पे आए हुए, और इतनी मजे मजे की बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि मैं उनकी परफॉर्मेंसेज का तो फैन था ही, आज मैं उनकी पर्सनैलिटी का भी फैन हो गया। थैंक यू गुले राना जी फॉर हैविंग मी, फॉर ब्लेसिंग अस विद योर कंपनी। एक्चुअली हसन, यू लेफ्ट मी स्पीचलेस। अब इतना तुम बोल चुके हो, इतना आप बोल चुके हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इसके जवाब में कहूँ क्या। जैसे मैं आपको ऑफ कैमरा बता रहा था कि राइट फ्रॉम, क्योंकि हमने जब ये अपना प्रोग्राम शुरू किया था ड्रामा रिव्यूज करने का, तो चीख इज वन ऑफ द फर्स्ट ड्रामास दैट वी स्टार्टेड रिव्यू जी। उस वक्त दिसंबर में हमने अपना 2018 में हमने ये अपना प्रोग्राम शुरू किया था, और उसके कुछ ही हफ्ते बाद चीख स्टार्टेड टू गो ऑन एयर। Starting from Cheek, then we saw you in Surkh Chandni, फिर हमने आपको देखा प्यार के सदके में, फिर हमने आपको देखा फरियाद में, फिर हमने आपको देखा रक्से बिस्मिल में, फिर हम आपको देख रहे हैं डंक में। Every time you come on screen, शुरू शुरू में हमें ये भी था कि यार कि थोड़ी सी टाइपकास्ट हो रही हैं गुले राना जी, हर ड्रामे में नेगेटिव रोल कर रही हैं, बट अब विद रक्से बिस्मिल एंड डंक, वो भी यू प्रूवन अस रॉन्ग। How do you manage to do justice to your characters that the way that you do? Her character ko jab aap apnati hain, aise lagta hai ki ye pichli performance se bhi behtar hai, aur aise lagta hai ki yaar pichle character mein koi aur tha, ye koi aur hai. Off the camera to main agar yaad ho, maine kaha ki main mujhse main nahi kahungi ki main bahut achhi hu to jhoot nahi bola jata, lekin mujhe samajh nahi aata ki kisi ka koi sawal ho usko aap galat bayan nahi kaise kar sakte. Yakeen karo ki mujhe nahi pata ki matlab जो कैरेक्टर लिखा हुआ होता है मैं कैसे बताऊं कि उसको जो लिखा हुआ है वही करना है ना, जो लिखा हुआ अगर वो नहीं करेंगे तो फिर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, फिर कोई और काम कर ले। बट लिखने में और उसको परफॉर्म करके उसको पोर्ट्रे करने में उस कैरेक्टर के, आप तो यू मेक इट साउंड सो सिंपल कि बस लिखा हुआ और आप आई और आपने परफॉर्म कर दिया। लेकिन आपकी, मेरा ख्याल है जब बाकी चीजों की ऑब्जर्वेशन आपकी ठीक होती है तो जब लिखा हुआ होगा उसको भी आपकी आप समझ, सब समझदारी का काम है, तो अगर आप समझ से कोई काम करेंगे, दिल से करेंगे। माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि जिंदगी में जो भी काम करो आइदर डू इट और डोंट डू इट, बीच की कोई चीज़ हमें नहीं पता। तो जो लिखा हुआ है अगर आप उसको समझदारी से पढ़ के और कर लेंगे, डिलीवर कर देंगे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो एक्टर पर आके रुकती है, क्योंकि वहाँ से चलती है, राइटर से चलती है, डायरेक्टर पर आती है, कैमरामैन है और भी बहुत सी पूरी टीम है, लेकिन जो आखिरी जिम्मेदारी होती है वो एक्टर पर आके रुकती है, क्योंकि वो सब चीज़ों का एक जो कॉम्बो बनता है वो एक्टर बनाता है। तो वो अगर आप सबकी जिम्मेदारी, अगर आप जिम्मेदार शख्स हैं तो मेरा ख्याल है वो जिम्मेदारी भी पूरी करनी चाहिए। आई थिंक यू मेक इट साउंड सो सिंपल कि यार कि ये हो जाता है, बट अच्छा स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, थोड़ा सा मैंने तो अपनी पूरी रिसर्च की हुई आपके ऊपर, मुझे सारी बातों का पता है, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज पीपल जिनको शायद इस चीज के बारे में नहीं पता, व्हेन और हाउ डिड यू डिसाइड टू बिकम एन एक्टर? एक्चुअली आई डिड नॉट डिसाइड इट, that wasn't my decision, honest to god. abhi main bhi zinda baithi hui aur alhamdulillah ahmed sahab bhi hayat hain, unse pooch lijiye iski kahani, kyunki main ek production mein kaam kar, main production ka banda thi, abhi bhi apne aap ko yahi kehlwana pasand, mujhe zyada acha lagta hai. to i used to work in aaj television as a senior producer and he was a writer over there, ahmed sahab. to hum ek 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 series kar rahe the jab us waqt aaj tv ka entertainment aane wala tha, तो हम एक सीरीज कर रहे थे देख मगर प्यार से, तो उसके लिए हम बड़े तमीज़ से, क्योंकि अहमद साहब बहुत विजन है उनके पास, तो उन्होंने कहा गुल क्यों ना ऐसा करें कि पहली दफ़ा हम सबका जो है वो इंटरव्यू करें जो आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं,
और उन उनसे जो है वो एक्ट करवा के दिखाएं सबके जो है। तो हमने फिर PACC में बहुत से बच्चे बच्चियां आए, तो हमने ऑडिशन किए। और उसके बाद जब मुख्तसर करती हूँ, जब हम सीरीज करने पे आए तो हम 3 दिन की रिहर्सल करके फिर सेट पे जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बोर्डरूम में हम बैठे हुए थे तो 2-3 एक्टर मिसिंग थे, कोई 5 एक्टर थे तो 2 मिसिंग थे। खैर मैं उनका स्क्रिप्ट पढ़ने लगी, तो जब पढ़ के बाहर निकली हूँ, सो यू नो व्हाट अहमद साहब सेड, उनका हेल व्हाई डोंट यू एक्ट गुल। आई सेड व्हाई, आई सेड यू रीड इट सो वेल, आई सेड सो व्हाट। उन्होंने कहा नहीं 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 तुम एक्टिंग करो। मैंने कहा मैं पर्दे गमले ठीक करूँगी, मैं कितने तुसी मैनू। तो ऑनेस्ट टू गॉड एटलीस्ट 2 ईयर्स, सो ही वॉज आफ्टर मी कि तुम मैं एक्टिंग कर। एंड वन डे ही जस्ट गेव मी द स्क्रिप्ट एंड ही सेड आप एक्टिंग कर रही हैं और मैं आपके शौहर का रोल। मैंने कहा एक्टिंग तो चलेगी, आप मेरे शौहर का रोल नहीं कर। तो वो मेरा जिंदगी का शाइस्ता, दैट वॉज माई फर्स्ट ड्रामा। तो मैंने फुरकान भी थे। एग्जैक्टली वो उसका भी पहला ही था। बड़ी नॉलेज है सर आपका। मैंने पिछले हफ्ते फुरकान को इंटरव्यू किया। रियली सच अ नाइस बॉय बाय चांस। या हां, तो मैंने सच बता रही हूं, मैं या तो मुझसे सवाल नहीं पूछे आप या फिर मुझे उधर ही रोक दें। तो मैंने उस वक्त ये सोचा, मैंने कहा जिस चैनल पे चलना है ना किसी ने देखना, ना किसी ने दोबारा बुलाना है। और अब ये इतने, अब हमारे बॉस, उनको मैं कहती हूँ अपना, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, क्या हर्ज है। तो प्रोडक्शन भी मैं ही कर रही थी उस ड्रामे की और एक्टिंग भी, और अभी भी मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ। उस वक्त तो मैं बहुत ही, मैंने कहा जी अहमद साहब रिक्शा वंगर मैं स्टार्ट हो जाना तो तुम मैं क्यों रोक रहे हैं। तो उन्होंने कहा बस तुम कर रही हो एक्टिंग। तो वो की मैंने, तो आई थॉट कि उसके बाद ना किसी ने बुलाना है ना कुछ होगा, तो बस सिंस देन सब बुला रहे हैं, सब कह रहे हैं। बट गुनेराना जी, जब पहला एक ड्रामा आया और उसके ऊपर फीडबैक आया, ऑब्वियसली अच्छा ही फीडबैक होगा कि उसके बाद लोगों ने अप्रिशिएट किया एंड देन आपका एक्टिंग करियर टेक ऑफ कर गया। व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड, डिड यू वांट टू रियली परस्यू इट? जब आपने पहली बार एक्टिंग की, आपको अच्छा लगा, आपको मजा आया, बचपन में कोई आपकी कोई मेमोरी में ऐसे कोई मोमेंट हो या इंसिडेंट हो जब आपने रियलाइज किया हो कि यू हैव दैट स्किल, या ये पहली बार ही आपने बस किया और इट क्लिक्ड? वैसे तो मैं अपने मुझे नहीं, अब मुझे कभी ख्याल आता है कि कोई शादी कोई ब्याह खानदान का, वो मेरे बहन भाई कहते हैं गुलेराना का होना जरूरी, तो अब समझ आती है वो क्यों कहते हैं इसकी नकल, उसको छेड़, उसको तंग कर। तो शायद वो चीज, और दैट टाइम इफ यू आस्किंग मी, तो मुझे काम करना था तो बस काम ही करना था, तो ये काम तो वो काम, तो आई हैड टू डू एवरीथिंग, तो मैंने काम के लिए ये भी किया। बट कॉन्शियसली कभी आपने रियलाइज नहीं किया कि मेरे अंदर एक्टिंग का, बस कर दें मेरे अंदर एक्टिंग का, मैंने आज नहीं सोचा। तो आप कह रहे हैं कि आप यकीन करेंगे मेरी बात का, जब मैं अपने सेट से बाहर आ जाती हूँ, और अब मैं ऐसे ओपनली इस तरह कह रही हूँ क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत, वो यकीन करते हैं इस बात का कि मुझे नहीं याद, मुझे याद भी नहीं रहता कि मैं एक्टिंग करके आ रही हूँ। और मैं कोई जब आप कह रही हैं तो मैं यकीन कर लूंगा, लेकिन ये अनबिलीवेबल बात है, बिकॉज मैं, और मैं इसलिए ये कह सकता हूँ कि मैंने पिछले 2 सालों की आपकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस है जो शायद मैंने मिस की, मैंने सारी देखी है। तो फॉर समबडी टू टेक ऑन अ कैरेक्टर, लेट्स से समबडी लाइक सुर्ख चांदी में जो आपका कैरेक्टर था और फिर प्यार के सदके में था, चलें ठीक है, सिमिलैरिटी थी टोन में, नेगेटिव एक शेड था, बट उसके अंदर भी आपने अगर और कुछ नहीं तो चलें अपेयरेंस तो चेंज की ना, जो प्यार के सदके में आपका कैरेक्टर था, शी इज सिटिंग ऑन हर पलंग, पलंग से नीचे ही नहीं हमने उनको उतरे हुए देखा, ये जो थॉट प्रोसेस है ये आपका होता है अपने कैरेक्टर को लेके, कि इसकी अपेयरेंस को ऐसे, क्योंकि आपने प्रोडक्शन में काम किया है। हम ऑफ कैमरा कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे थे, सो हाउ मच थॉट डू यू पुट इन योर सेल्फ इन योर कैरेक्टर, या ये सब जो आप कह रही है कि बस लिखा होता है डायरेक्टर ने कह दिया और आपने कर दिया? आई एम ब्लेस्ड, आई थिंक कि लोग मेरी शायद बात सुन लेते हैं। मैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बिलीव रखती हूँ कि जो डायरेक्टर है उससे आप उसको आप आ, 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 पूछ सकते हैं, बता नहीं सकते। मैं समझती हूँ अभी जैसे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं समझती हूँ जिसका जो काम है उसे करने दें, अगर वो उस काम में बेहतर है तो आपका भी बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा। अगर आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी बहुत कमी है तो आप डिस्कस कर लें। प्यार के सदके में दादा, क्योंकि हमारे जो फारूक रेंज जो हैं बहुत बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े इंसान भी हैं, तो मुझे किसी ने कहा, ये भी बात में बताते चलूँ, कि उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छी आपने प्यार के सदके में एक्टिंग की। मैंने कहा इट्स ऑल अबाउट दादा जो उन्होंने मुझसे काम करवाया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा तो फिर 6 ड्रामे तो और भी चल रहे हैं,
सभी की क्यों नहीं इतनी तारीफ हो रही, तो डिपेंड करता है आपके डायरेक्टर पे भी, लेकिन ऐसा डायरेक्टर जो आपकी बात सुन ले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो हमने ये सोचा कि अब एक औरत है, उस कोई भी सीन ऐसा नहीं था कि जो वो जाए, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि इसकी टांगों में दर्द रहता है और इसको आर्थराइटिस है या कुछ ऐसा, तो वो हो गया। और मैं समझती हूँ जो आपकी अपेयरेंस होती है ना, वो अगर इफ आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग 80% काउंट करती है। लुक जो होती है आपकी, पहले तो वो आएगी सामने, डिलीवर तो आप बाद में करेंगे, तो जो आपका वार्डरोब होता है, जो चीज़ें होती हैं, वो आपको कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और वो उसका बहुत ताल्लुक होता है। मेरी नाराज़गी रहती है अगर मैं किसी को कुछ कह ना सकूं, लेकिन एक गरीब घर है और एक बहू है जिस पे सास भी जुल्म कर रही है, शौहर भी, तो पिन्ना नहीं हिल रही है, उधर बाल नहीं है, तो मस्कारा भी लग गया, मस्कारा भी, काजल भी, मतलब सवेरे उठ के पहले वो तैयार होती है, फिर कहती मैं मारो। तो आई कांट गेट अलोंग विद दीज थिंग्स। तो इस वजह से शायद मेरा ये होता है कि नहीं, अभी वो फरियाद में पागल सी गरीब सी औरत है, रिश्ता करा, उसे कहाँ होश है अपने बालों का। वो मैं पता है क्या उस ड्रामे पे कैसे जाती हूँ, मैं कहती हूँ पहला सीन बता दें उसमें क्या ड्रेस पहनना, मैं घर से ही पहन के जाती हूँ और दरवाजे में कदम रखते ही पूछ सकते हैं, मैं कहती हूँ चलो जी पहला सीन करो। So you're not conscious at all कि अच्छा मेरा मेकअप ऐसा हो, मेरे बाल ऐसे हो, not a diva at all गुले राणा जी। Why? हम तो ये स्टोरियां सुनते हैं ना, लोग भी यही सुनते हैं कि एक्टर्स के तो बड़े एटीट्यूड होते हैं, बड़े नखरे होते हैं। मैं इस वक्त ये अगर आपसे कहूंगी ऑफ द कैमरा, शायद कह लूं, कैमरे पे नहीं पूछो, क्योंकि मैं वो दो घंटे नहीं, मेरा है कि मैं जैसे फॉर इंस्टेंस 11 बजे का कॉल टाइम है, तो आई गो अराउंड 12:30 बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू कंज्यूम दैट 1.5 hours sitting doing nothing where everybody is getting their makeup done or yeah no time not, pe nahi aaye I don't criticize anybody theek hai na to mujhse bas main isliye zyada nahi khul ke bata rahi main kabhi makeup seat pe nahi baithi makeup seat pe nahi baithi nahi main nahi baithti kyun aap makeup nahi karati hain main apna makeup khud hi main apni makeup artist bhi khud hi hu acha main openly itne aaram se isliye bata rahi hu kyunki koi is baat ko challenge nahi kar sakta so for example as jaise amna ne mere se mujhe special bola ki main aapse poochun रक्से बिस्पिल में जो आपका पेरेंट्स है इस बार कोई आपके एपिसोड में एयरिंग्स थे, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, अच्छा, चलाएंगे हाँ, तो वो उन्होंने पूछा कि यार जरूर गुले राणा जी से पूछना ये एयरिंग्स उनके अपने हैं या ये कैसे वो करती हैं जो अपनी लुक्स क्रिएट करती हैं। डंक में ऑन द अदर हैंड वी सी यू एज यू नो द मैट्रियार्क ऑफ द फैमिली और उसमें जो आपका पूरा जो एक स्टाइलिंग हुई हुई है, ये कितनी आपकी अपनी और कितनी ये प्रोडक्शन की तरफ सब मेरी है, सब आप, हाँ जी सब मेरी, मैं वो बुंदे भी आपके अपने, इतना ओपनली आपसे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई भी कह सकता है कि गुल तो झूठ बोल रही, गुले राणा तो मुमकिन नहीं है। बदर की डायरेक्शन है और बदर ने मुझे बताया कि ये कैरेक्टर है, तो जब आप मुझे नहीं, कैसे हो सकता है सन्ना, तब आप कोई कैरेक्टर पता चले आप उसको डिजाइन नहीं कर सकते कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आता। प्रोड्यूसर भी है ना, बात प्रोड्यूसर की नहीं है, मैं एक इंसान हूँ, एक इंसान बहुत कुछ देखता है, क्या आपने कभी दुख कभी गम कभी खुशी कभी ये सब कुछ नहीं देखा होगा, कभी किसी एलीट क्लास को कभी किसी गरीब को। हमारे अब्बा कहा करते थे कि भाई आप अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाएं कि किसी 5-star में जाके स्लिप ना हो जाएं या किसी झोपड़े में जाके आप यूं यूं ऐसे ना करने लगें, आप ऐसे इंसान हैं, हमें हर चीज़ का जो है वो मेरा ख्याल है पता होना चाहिए। सो जो हम फिर ड्रामों में फ्लॉज देखते हैं अक्सर औकात देखते हैं काफ़ी ड्रामों में देखते हैं, so maybe somewhere some people are not as interested in the job as they should be. मैं किसी को नहीं, मैं why do I criticize anybody else, why can't I criticize myself? अगर अपने आप criticism रखेंगे ना तो काम बेहतर होगा। आपका process क्या है when somebody offers you a script, what happens or how often do you get scripts आजकल, क्या process है, आप सोचती हैं role take on करने से पहले या जो भी स्क्रिप्ट आता है आप अमूमन हाँ कहते हैं? आई थिंक मैं ये मेरे लिए जब शुरू में काम शुरू किया था तो हाँ मैं मुझे काम करना था, ठीक है ना, तो बैड और गुड आई डोंट नो, बस काम किया और अच्छा बुरा, बल्कि मैं एक जुमला आपको बताऊंगी क्योंकि ये फंसी बारी का जुमला है मेरा नहीं, एक ड्रामा था तो उसमें आई डोंट नो मैं जो वो जो उसने कहा वो तो मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी, उसने कहा तुम कितनी चलाक हो, तुम इतने बुरे ड्रामे में कितना अच्छा काम कर दिया। तो ऐसे भी होता है। पहले तो मुझे 2 साल तक हसन मैं पूछती रही, लोगों को लगा शायद मैं बनावट कर रही हूँ, जब कोई ऐसा होता है मैं कहती हूँ मैंने ठीक काम किया, और मैं सचमुच पूछती थी
कि मुझे लगता है हमारे वालिद ने हमें सिखाया, कभी किसी की अगर आपको वो काम नहीं आता तो आप किसी की स्पेस ना लें, हो सकता है आपसे बेहतर कोई काम करने वाला उसको उस जगह को डिजर्व करता हो। तो मैं 2-3 साल पूछती रही कि आया मुझे एक्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जब बिला वजह मैंने किसी की स्पेस ली भी या कुछ और। बहुत सारी दुनिया है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो अंडररेटेड हैं, जिनको आप काम नहीं देते किन वजूहात की बिना पर। बहुत बहुत दुख की बात है मुझे हमारी इंडस्ट्री में अभी कोई खातून या कोई बच्चा या कोई सॉरी टू से मुझे ये ज़रूर कहना होगा, रिक्शा में ये बहुत पता नहीं क्यों हमारा, हम लोग स्टेटस कॉन्शियस हैं तो हमारी इंडस्ट्री में ये बहुत है मैंने देखा। तो अगर आप जो है वो ऐसे कहीं चले जाएं तो वो उनको अब बिठा देंगे कि बैठे आप देखते हैं। इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं हसन और इतनी अच्छी अच्छी हमारी आर्टिस्ट हैं कि तकलीफ़ होती है देख के। और दूसरी तरफ आप देखें कोई बड़ी सी गाड़ी में या ड्राइवर के साथ, आइए 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 बैठिए बैठिए, ये स्क्रिप्ट भी आपका, ये स्क्रिप्ट भी आपका, ये स्क्रिप्ट भी आपका, दिस इज़ नॉट राइट। तो बात कहाँ से कहाँ चली गई आपके प्रोसेस के बारे में कि हाँ, आपके आपके पास जब स्क्रिप्ट आता है, व्हाट मेरे पास जब स्क्रिप्ट आता है तो आई ओनली आस्क अबाउट माई कैरेक्टर और ये कि जो हमारे को आर्टिस्ट हैं वो कौन है। तो कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर है जो सबसे ज्यादा आपको मैटर करता है कोई ड्रामा या कैरेक्टर टेक ऑन करने से पहले? योर कैरेक्टर और जो आपके साथ लोग हैं। एज फार एज द कैरेक्टर की नोयत क्या है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो आपको इतना कोई बॉदर करता है या नहीं? मैं समझती हूँ नेगेटिव में, मैं समझा करती थी कि नेगेटिव में बहुत मार्जिन होता है क्योंकि शुरू में बहुत से कैरेक्टर्स नेगेटिव, लेकिन जब पॉजिटिव आए तो उसमें भी मार्जिन होता है। यानी कि आपका हर कैरेक्टर में मार्जिन आपके पास होता है, मार्जिन कैरेक्टर में नहीं होता, मार्जिन आपके पास होता है, दैट्स व्हाट आई थिंक। ये अभी आपने एक बीच में बात की कि जब आप प्रोडक्शन कर रही थी और फिर जब आप एक्टिंग की तरफ आई तो शुरू शुरू में यू टेक ऑन एवरी रोल दैट यू वर गेटिंग बिकॉज आपको काम करना था। जी मुझे काम करना तो फिर तो आप वेरी ऑनेस्ट, ये कौन सी ऐसा वो टाइम था जब आपने डिसाइड किया कि अब प्रोडक्शन नहीं अब सिर्फ एक्टिंग? डिसाइड नहीं किया मेरे, अब हर बात ही अजीब सी लगेगी, मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, वो काम इतना शुरू हो गया कि मैं प्रोडक्शन को हाथ नहीं लगा सकी। तो फिर आना शुरू हो गए कैरेक्टर्स आपके पास इतने कि फिर वापस आप प्रोडक्शन की तरफ जा नहीं सकी? अब हाँ नहीं बन जा सकी, नहीं जा सकी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो काम भी आप करें उसको कोई सा भी बिजनेस करें, प्रोडक्शन भी बिजनेस है, जब तक आप खुद हेड नहीं करेंगे वो आपको आप उसमें लूजर होंगे। मुझे ये बताएं गुलेरान जी, जो हमारी इंडस्ट्री है सपोर्ट कास्ट को लेके जो मैं समझ रही हूँ, अभी सवाल भी पूरा नहीं हुआ, मैं मुझे समझ आ गई आप क्या सवाल करने वाले हैं। सपोर्ट कास्ट की तरफ उनका रवैया कैसा है? बहुत बुरा, That's a bitter truth. Why? हाँ अभी तो बताया आपको मैंने, सपोर्ट कास्ट भी अगर फॉर्च्यूनर में आएगी और अगर ड्राइवर के साथ आएगी उसके साथ रवैया अलग होगा, सपोर्ट कास्ट अगर रिक्शा करा के आएगी उसके साथ अलग होगा। अभी पिछले दिनों मैंने एक बुरी तरह से जो है वो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का करम है मुझ पर और इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि अल्लाह ने वो जगह बना दी कि कोई सामने बोलता नहीं है, तो मैंने तो बहुत बुरी तरह डांटा। एक खातून एक छोटे से बच्चे को लेकर आई हुई थी, मेरा ख्याल 6 माह का भी नहीं था, तो जब वो बाहर निकली है तो मैं भी अपने सीन ख़त्म करके निकली हूँ तो वो सड़क पे खड़ी हुई थी और मेरे हाथ जो बच्ची होती उसने पहचाना, उसने कहा भाजी ये वही खातून है जो अभी हमारे साथ थी। मैंने कहा अच्छा, सीन करा के आई, सीन करा के वापस मुड़ी तो मैंने पूछा उससे बिठाया, मैंने कहा कहाँ रहती हो? तो मेरा ख्याल है कराची का एक अलग कोना था कोई वहाँ और ना कुछ, बहरहाल ये रवैया, वजह मैंने आपको बता दी, इसके अलावा कोई वजह है ही नहीं, निकाल के दिखा दें आप मुझे कोई वजह। ये बड़ी एक मैं बता रही हूँ कितने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत कम कम नजर आते होंगे आपको, लेकिन उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, तो वो जो बड़े एक्टर्स हैं वो भी उनकी तरफ जा रहे होते हैं, उनकी तरफ आ रहे होते हैं, दिस इज नॉट राइट। जिनके लिए शायद ये प्रोफेशन एक हॉबी है। हाँ जी, जी पैसा तो है, मशहूरी नहीं है, उन्होंने कहा आप क्या उनकी करिए, उनके एक्टिंग कर लेने टीवी पे आएंगे, पैसा तो ऑलरेडी है, ना करते मेरा इंटरव्यू तो ज्यादा बेहतर था। नहीं ये बहुत जरूरी है कि हम क्योंकि हम लीड एक्टर्स का तो इंटरव्यू करते हैं हमेशा, हम डायरेक्टर्स का भी करते हैं, हम राइटर्स का भी करते हैं, बट सपोर्ट कास्ट जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि एक ड्रामे की बैकबोन है, ऑफ कोर्स स्ट्रिक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा हमारे आरिफ खान साहब डायरेक्टर, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, उन्होंने शूट कैंसिल कर दी थी, ये भी चीज़ मैंने उनसे सीखी
कि इतना इम्पोर्टेंट वो सीन होता है जो ज्वाइन करने के लिए होता है, जिसमें दो खवातीन, वो उसको ऐसा ले लेते हैं जैसे बिल्कुल कोई बेकार सी चीज़ है, वो इतना बुरा लग रहा होता है। जैसे डॉक्टर का सीन है, जैसे आप कोई मर गया तो कहते हैं उसी आपके वो मर गए, तो ये कितना एक जुमला उससे जो है, लेकिन वो इसलिए कि पैसा ना खर्च करना पड़े, तो कोई आप अच्छा एक्टर ले लें, ढंग से पैसे दे दें, इसलिए कि पैसे की कमी नहीं है इस फील्ड में, पैसे की कमी नहीं, नहीं है ना, कहाँ कमी है, करोड़ों रुपए का सीरियल तो कहते हैं कि हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। अच्छा, हम तो वो ड्रामे बना ही नहीं पा रहे जो हम बनाना चाहते हैं, चाह रहे हैं फिर की मतलब, पता नहीं वो टाइटैनिक बनाना चाह रहे हैं, मार जाके शूट करना चाह रहे हैं, असल में पता क्या है, ये नहीं पता नियत की कमी है, वो तो खैर बिल्कुल ही कमी क्या है ही नहीं, वो तो जो पहली कॉल आती है वो जी फलाना बात ही यहाँ से शुरू करनी है, फिर कैसे जो है वो, असल हमारा इंटरव्यू कहीं और जा रहा है, जाने दें, जाने दें, पता चले ना, पता चले कि हमारे जो इतने सीनियर एक्टर्स हैं जिनको स्क्रीन के ऊपर देख के सारी ऑडियंस भी रश भी करती है और खुश भी होती है देख के और कहती है यार कि वाह क्या अदाकारी की, काश हम उनकी जगह होते, उनके चैलेंजेस के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को नहीं पता, पता होना चाहिए मैं समझती हूँ, लेकिन पता होने नहीं देते लोग इतने, ये हमारा ना सबसे जो ड्रॉबैक है, हम लोग किसी की मजबूरी से बहुत अच्छा फ़ायदा उठाना जानते हैं, और मजबूरी बड़ी बुरी चीज़ है, आप जब जब जो इंसान मजबूर होता है कोई उससे पूछे, आपको 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपके पास और अल्टरनेटिव ही नहीं है कोई, आप वहाँ काम करते रहेंगे, एंड दिस इज हैपनिंग विद आवर सपोर्टर्स, इट इज हैपनिंग एवरीवेयर, वो कहाँ जाएं, वो 3 महीने की तनख्वाह वहाँ नहीं मिली तो कौन उनको कोई और जगह काम देगा, वो तो मजबूरी से ही फायदा उठ रहा है ना, और क्या हो रहा है मुझे बताइए, कि आपके पास इतने पैसे नहीं, करोड़ों रुपए के ड्रामे बन रहे हैं, फिर तो जब ये हाल है तो सपोर्ट कास्ट की जो जो कैरेक्टराइजेशन होती है, जो कैरेक्टर होता है, देखिए ना फिर क्या होता है, उसमें तो कोई कोई थॉट जाती नहीं होगी, देख लेना आप, देखिए तो मैं यही बता रहा, मजबूरी का नाम शुक्रिया चल रहा है ना, बड़े अदाकारों को जो हम देखते हैं, आप जैसे अदाकार जो हमें स्क्रीन पे नजर आते हैं, तो आप बड़े अदाकारों में शामिल ही ना करें बिल्कुल भी, मैं तो एक जो बड़े सपोर्ट कास्ट के इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल्स में होते हैं, आर वी टू देन अज्यूम के ये 100% आपकी अपनी एफर्ट ही है फिर, क्योंकि मुझे जो आपसे बात करके अंदाजा हुआ है कॉन्वर्सेशन से कि यहाँ पे तो मतलब किसी की कोई परवाह एज सच अदरवाइज तो कोई नहीं करता, देखें जी एक एक ट्रेंड बन गया है कि जो जितने ज्यादा नखरे करेगा उसको उतनी ही वो इतना ही हाईलाइट होगा, इतनी ही हाइप मिलेगी, विच इज रॉन्ग, विच इज वेरी रॉन्ग, दैट्स व्हाट आई टॉट माय सन इवन, बेटे मैंने कहा देखो आंखें पैर जमीन पे रखो, आंखें भले ऊंचे रखो, पैर आपके जमीन पे होने चाहिए हमेशा, तो ये जो अब मैं कॉन्वर्सेशन अगर ये करना चाहूँ कि गुले राणा जी जो सपोर्ट कास्ट के जो जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं एक ड्रामे के अंदर, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, या उनको राइटर को क्या अटेंशन पे करनी चाहिए उनके बारे में, लेकिन मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं जो जो हमारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी मेहनत करनी चाहिए, उनको भी अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, उनको भी ये नहीं सोचना चाहिए, मैंने किसी से पूछा एक जूनियर कास्ट में हमारे थे, मैंने कहा बेटे एक्टिंग कर, उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे ही ठीक हैं, मैंने कहा अपनी एक्टिंग पे ध्यान दो, अच्छा काम कर सकती हो तो, उन्होंने कहा नो 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 हम ऐसे ही ठीक हैं, हम आदत हो गई है कि ठीक है गए आज के डेली वेजेस पे पैसे मिले और चलो जी घर चले गए, तो इट इज़ वाइस वर्सा, मैं समझती हूँ अगर उधर से नहीं हो रहा तो हमारी तरफ से मेहनत, वो कहते हैं ना, अब ये जुमला आई डोंट नो इससे रिलेट करेगा या नहीं करेगा, गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, गरीब मरना जुर्म है, डू यू गेट मी, तो अगर मेहनत करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ हासिल ही हो जाएगा, और जो मेहनत कर रहा है उसे भी कुछ हासिल होना चाहिए, तो इट्स लाइकवाइज। फरियाद में जो आपका कैरेक्टर है फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि इट्स नॉट सपोर्ट कास्ट पर से, बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ अ लीड कैरेक्टर ड्रामे फरियाद के, फरियाद, जी, फरियाद जी, में जी, जो देखा जाए, तो ऐसा नहीं है कि ड्रामे हमारे मुल्क में इस तरह के बन रहे हैं कि वेयर सपोर्ट कास्ट इज रेलेगेटेड टू अ सर्टेन काइंड ऑफ कॉर्नर, अब नहीं ऐसा, आपको लगता है वो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, काफी अब तो काफी ड्रामास आप देख रहे हैं जिसमें हीरो हीरोइन का तो कोई ऐसा वो नहीं होता, लेकिन बाकी के कैरेक्टर्स और ये बहुत बहुत हमारे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे हैं। व्हाट डू यू एट्रिब्यूट दैट चेंज टू, क्या लगता है आपको क्या वजह इसकी, क्या वजह है, मेरा ख्याल है कुछ पढ़े लिखे लोग आ गए हैं काम में और जिनका विजन है और जो समझते हैं कि इससे
टाइप कास्ट से निकल कर अगर आगे जा सकते हैं तो उसमें भी कामयाबी है, मुझे तो यही वजह, क्योंकि अब जो अब हम देखते हैं शोबिज में, एक ज़माना था, शायद अब नहीं है, एक ज़माना था जब आप कहते थे कि जी मैं आर्टिस्ट हूँ तो वो कहते हैं जी और क्या काम करते हैं, हम काम क्या करते हैं, अब वो नहीं रहा, तो इस वजह से अब हमारे जो एक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, और भी कुछ हैं, वो अपने पेशे की तरफ जाने से बेहतर यहाँ आना समझते हैं, तो ये वजह हो सकती है। एज एन एक्टर डू हैव दैट हंगर कि यार मैं इस तरह का कैरेक्टर करूं या मैं इस तरह का करूं, एक एक्टर को शौक तो होता ही है। हाँ पर मुझसे वो नहीं कहा जाता कि वो मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं एक लंगड़ी का किरदार अदा, अरे भाई जो है उसमें तो कुछ कर ले, अगर जो है जो कर रहे हैं उसमें अगर कुछ नहीं कर सक रहे तो फिर आप और किसी चीज़ की ख्वाहिश क्यों कर रहे हैं, अगर आप उस पर अच्छा कर रहे हैं तो फिर आपको जरूर कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर मिलना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंसेस को रिव्यू करती हैं, आप सारे ड्रामे देखती हैं जिस इसका नहीं देख ही नहीं पाते ना, 10:30 बजे तो घर आते हैं, और मुझे वो यूट्यूब पे, और पता नहीं मेरी आदत है, आपको पता है मैं मूवीज नहीं देख पाती इसलिए कि सिनेमा, मुझे मूवी सिर्फ सिनेमा में ही ठीक लगती है, मैं मूवी को इस फोन पे या कमरे में बैठ के नहीं देख सकती। अच्छा, तो आप अपनी परफॉर्मेंसेस को भी, आपने कोई आपने सीन्स अपने देखे हों कभी, देख चलते फिरते टीवी पे कोई? हाँ जी, जी जी बस जी, वो उसी हद तक। हाँ जी बस उसी हद। हाउ डू यू एनालाइज योर परफॉर्मेंसेस जब आप देख रही होती हैं टीवी के ऊपर चलते फिरते ही सही आगे चले यू नॉट हैप्पी? वेल ठीक है, जब लोगों की मोहब्बत मिलती है तो खुशी होती है। तो फिर कैसे, ये आपका वाहिद टूल यही है कि जब लोगों का फीडबैक आ रहा होता है तब आपको पता चलता है कि परफॉर्मेंस हिट है या नहीं? लोगों का असल में मोहब्बत बहुत मिल रही है तो बस खामोशी ही बेहतर है आप ही देख लें। so very humble of you. I think one should क्यों, किस चीज का आपको, किस चीज का गुरूर है आपको, क्या कर लिया आपने, क्या किया है दो ड्रामे करके? मैं इसीलिए नहीं ये कहना चाह रही, वो लगेगा जैसे मैं कोई बहुत ही वो बन रही हूँ कि नहीं जी इसको इस तरह ले ले। मैंने अपने बेटे को ये सिखाया कि बेटे कभी भी, मैंने उसको करा ही नहीं बिल्कुल भी, वो गाड़ी का इंतज़ार नहीं करता कि कौन सी गाड़ी बाहर है, ड्राइवर वाली मिलेगी या छोटी गाड़ी मिलेगी या वो। आसिम आज भी जो है वो स्टूडियो अगर उसे जाना है और गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है तो वो किसी के साथ भी चला जाता है, तो ये चीज़ ना मैंने उसकी ज़िंदगी में शामिल होने दी है ना मेरी ज़िंदगी में शामिल है। मैं बहुत इस मामले में जो है मुझे नहीं, मैं नहीं समझ सकती कि एक इंसान जो ना अपनी मर्जी से दुनिया में आता है ना अपनी मर्जी से दुनिया से जाता है फिर रहेगा वो। कुलेरान जी आपने प्रोडक्शन भी की है, आप बड़े लंबे अरसे से इस इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, आप एक्टिंग भी कर रही हैं ऑलमोस्ट जितने बड़े ड्रामे आए हैं पिछले चंद सालों में, यू बीन अ पार्ट ऑफ दोज ड्रामास वन वे और दी अदर। हाउ डू यू सी दिस इंडस्ट्री ग्रोइंग और मूविंग फॉरवर्ड? आपको क्या लगता है कि इसमें वो जो हम सारी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं सपोर्ट कास्ट को लेके या लोगों के रवैयों को लेके, इसमें तब्दीली आएगी कंटेंट में? आपको लगता है तब्दीली आएगी या आपको लगता है कि बस जिस पटरी पे हम जा रहे हैं ये पटरी बस सीधी सीधी जाती रहेगी? ऐसी नहीं, ऐसी कोई पटरी ख़राब तो नहीं है। लेट मी टेल यू क्लियरली, हम बराबर, हमारे जो हमसाया मुल्क है वो कहते हैं जी बड़ा यूँ है, तो कोई हज़ारों की तादाद में मूवीज़ बनती हैं उसमें से 2-3 हिट होती हैं, तो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री एंड आई मस्ट थैंक टू बाबर जावेद जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बनी है आज, पहले ड्रामास बनते थे लेकिन जिसको इंडस्ट्री का नाम मिला है वी शुड बी थैंकफुल टू बाबर जावेद जो उन्होंने ANB शुरू किया। किसी में जरूरत नहीं थी इतनी कि जी 25-25 ड्रामे एक साथ बनाए कि आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने काम भी किया साथ, लोगों ने उसे फैक्ट्री का नाम दिया लेकिन वो इंडस्ट्री बना के चला गया वो शख्स, ठीक है गया नहीं यही है, लेकिन तब हमारी इंडस्ट्री बन गई। और कौन कहता है कि जी जो पटरी चल रही है, आई थिंक आप सही से देखें, अगर 100 ड्रामे बनते हैं तो उसमें से 3-4 ही हिट होते हैं, आप क्या चाहते हैं कि 100 ड्रामे बने तो उसमें से 99 हिट हो? इट इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत बहुत अच्छा कॉन्टेंट है, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, फायज इफ्तिखार हैं लिखने वाली हमारे पास, हाशिम साहब हैं लिखने वाले, इतने अच्छे अच्छे नाम है, आप कैसे कह सकते हैं कि जी हमारी वो पटरी एक ही चली जा रही? क्योंकि हम जो ड्रामे अक्सर देखे, और मैं तो करीबन 12-13 ड्रामे हफ्ते के देखता हूँ, हम हफ्ते में तो 12-13 ड्रामों में से आपको क्या मिलता है? कुछ एक आधा ड्रामा ऐसा होगा कि जो बंदा देख के बोलेगा कि 12 में से अगर एक मिल जाता तो आई थिंक इट इज फाइन। यू थिंक द रेशियो इज ओके? यस, ड्रामा तो ड्रामा है ना, आप उसको
एंड यू थिंक कि बाकी 11 के भी ऑब्वियसली ऑडियंस है, तभी 11 ड्रामे तभी तो चल रहे हैं ना। आप ये तो देखिए, अब हमारा जो फरियाद चल रहा है उसकी भी तो ऑडियंस है ना। अब ये जिंदगी जो है पागल तो नहीं थे ना जो सालों साल चलता रहा। पर्सनली मेरी चॉइस हो सकती है, मुझे पसंद पसंद ना पसंद, भाई हम मुझे ये कलर पसंद है ठीक है, कोई दूसरा देखेगा क्या क्या फीका सा रंग पहना। अब हम जब बाजार जाते हैं तो ये फो कितना बुरा रंग, तो किसी के लिए तो है ना। मुझे मैं मुझे ये वाली भी बात देखो वो रिलेट इससे करेगी। मैं आई यूज्ड टू डू कपड़ों का बिजनेस आल्सो, आई एम अ फैशन डिजाइनर टू, माशाल्लाह। मैं दैट्स हाउ आई केम इन दिस इंडस्ट्री एक्चुअली। अच्छा, एज अ वार्डरोब डिजाइनर। यस, अच्छा, यस, दैट्स हाउ यू बिकेम पार्ट ऑफ वो जो आपकी पहली जॉब का जो आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं पहली जॉब नहीं, दैट वाज अ पार्कटेल का एक कमर्शियल था। अच्छा, पार्क टेल का? जी, पार्क टेल का। दैट्स लेट 90s। यस, तो मैं जो है मेरे घर में ही एक छोटा सा एक फैक्ट्री सी थी, मैं काम करती थी। तो हमारा कोई था वो दुबई में रहता था डायरेक्टर, तो वो आया था उस कमर्शियल को डायरेक्ट करने। तो उसने कहा भाभी आप मुझे कुछ कमर्शियल के ड्रेसेस बना देंगी? मैंने कहा बना दूंगी, कितने होंगे, एक या दो? तो उसने कहा यू हैव टू मेक 150 ड्रेसेस। व्हाट, ठीक है बना दूंगी। तो वो बनाया, तो मैं जब कमर्शियल पे गई, मेरा मसला एक ये है कि मुझे अपने काम पे खुद होना होता है, तो मैंने कपड़े तो प्रोवाइड किए, मैं खुद भी वहाँ गई एंड द वे आई वाज वर्किंग देयर सो एवरीबॉडी सॉ। तो फिर वहाँ से वो वार्डरोब डिजाइनिंग शुरू हो गई। तो अब आपका वापस कभी जी जाता है प्रोडक्शन की तरफ जाएं या एक्टिंग भी कर लिया, अब शायद डायरेक्शन की तरफ आपका इंटरेस्ट हो गया? नहीं, मेरा ताल्लुक अब सियासत से है, तो मैं अब मेरा सफर अब उधर है, सियासत की तरफ। हाँ जी, मैंने 2018 के इलेक्शन लड़ा, ऐसी थोड़ी लड़ा। जो एक्सपीरियंस मैंने किया हसन, वो मैं समझती हूँ कोई करोड़ों रुपए दे के भी वो एक्सपीरियंस नहीं ले सकते जो आप ग्राउंड पे आप जब इलेक्शन लड़ते हैं, यू कान गेट दैट एक्सपीरियंस। बट ये पॉलिटिक्स की तरफ आपकी इंक्लिनेशन कैसे हुई? ये भी मजेदारी की बात है, क्योंकि हम शोबिस से हैं, हमारे कैसर निज़ामानी साहब भी इसी इंडस्ट्री से हैं, तो उन्होंने मुझे उन्होंने यही इनिशिएटिव लिया कि हमारा जो कल्चरल विंग था, तो उन्होंने कहा मैं कहीं काम ऐसे कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कॉल पे गोल साहबा ऐसे एक टीम बन रही है, मैं आपका नाम उसमें डाल दूँ। मैं कहा जी डाल दें। वो डल गया, वो पता चला कि कल्चरल विंग की एक 6 लोगों की बन गई, तो बस वो चल सो चल, फिर आगे गए। मेरा गोल असेंबली है। अच्छा जी, विश यू ऑल द बेस्ट। यस, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरह आपने अपनी अब तक की बाकी जर्नीज में एक्सेल किया, आप एज अ पॉलिटिशियन भी उस जर्नी में एक्सेल करेंगी। बट एज फार एज ड्रामाज आर कंसर्न्ड, व्हाट इज देयर टू लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट? या भी आहिस्ता आहिस्ता ड्रामों की तरफ से आपका इंटरेस्ट पूरा पॉलिटिक्स की तरफ? नहीं, मैं वही बात है, मेरे वालिद एक बात सिखा के चले गए, किसी भी काम के लिए आदर डू इट और डोंट डू इट, ये आधा पचीदा काम हमें नहीं आता, ये मुनाफ़त हमें नहीं आती। आदर इट्स वाइट और ब्लैक, नथिंग ग्रे इन माय लाइफ। तो मैं या तो जाहिर है अगर मैं असेंबली में चली जाऊंगी तो सुबह मेरा ड्रामा तो नहीं ना चल रहा होगा। और कहा इतने भी ड्रामा तो उतने भी ड्रामा। तो ये क्या फिर आप हमें डिप्राइव करने लगी हैं अपनी? डिप्राइव वाली तो कोई बात क्योंकि नहीं। अभी आपकी 2.5 साल तो हो चुके हैं, करीबन 3 साल इस हुकूमत को, तो अब अगले इलेक्शन की तैयारियां तो शुरू होने वाली होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब है कि फिर आप एक्टिंग को तो टाटा बाय बाय? ऐसा तो फिर है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए ऐसा। आप मेरी वहाँ की काम विषय अभी, यू जस्ट सेड दैट। हाँ, बट मेरा लालच भी है ना आपको स्क्रीन पे देखने का। मैं थिएटर कर लूंगी, आई लव टू डू थिएटर, यू नो। अच्छा, मैंने जिंदगी में एक थिएटर किया और वो भी मेरे पास एक कॉल आई अली शेख की, आप थिएटर करेंगी ना? मैनू पता ना, एक तो ये मेरी बड़ी मुसीबत है ना कि मैंने छलांग लगा देनी है तो देखी जाएगी। तो मैंने कहा हाँ। अब वो थिएटर जो निकला वो तो पता चला राहत काजमी साहब डायरेक्ट कर रहे हैं, नाम तो सोचे आप जरा, तो उनके ही बंदा जो है हिल जाए, और सारे के सारे नापास है, मैं सिर्फ आउटसाइडर थी। और वो थिएटर किया, वो था प्ले इज ऑन, खेल जारी है उसका उर्दू करके किया, तो वो भी 12 डेज स्टैंडिंग अप्लॉज। दिस इज व्हाट ईयर? वे बैक
7 years back. अच्छा, 7-8 years back. और उसके बाद फिर आपने थिएटर नहीं किया? फिर टाइम ही नहीं मिला. अब तो अभी एक आया था थिएटर बेगम जान के नाम से, जो जावेद सिद्दीकी साहब का लिखा हुआ, तो मैं नहीं कर सकी, मुझे बड़ा अफसोस है. लेकिन अब मैं उस थिएटर के लिए आई टेक एटलीस्ट 3 months ऑफ एंड आई डू दैट. वाओ, दैट्स डेडिकेशन टू योर वर्क एंड टू द जॉब. जाते जाते एक सवाल आसिम के बारे में. ऑफ कोर्स माशाल्लाह एट सच अ यंग एज आई वुड से दैट ही इज वन ऑफ द फ्यू सुपरस्टार्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री दैट वी हैव एट द मोमेंट. मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि कैसा लगता है बीइंग द मदर, बट वर यू एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ सक्सेस फॉर हिम? मैं इस जुमले को मैं एक्सपेक्टिंग तो नहीं कहूँगी. आई वॉज जस्ट प्रेइंग ऑल माई लाइफ कि एक दिन आए जो आई जस्ट लव दिस इंट्रोडक्शन. अभी मैं कहीं गई तो वहाँ पे वो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े दुनियावी बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे. तो किसी ने कहा कि आसिम अज़हर की वालदा आ गई. तो एक ने कहा कि बोले राना भी हैं. आई सेड आपको पता नहीं है मेरा ये इंट्रोडक्शन मुझे कितना पसंद है कि कोई मुझे कहे कि आसिम अज़हर की वालदा आ गई. मेरा मैं समझती हूँ यही गोल था मेरा, एंड आई हैव अचीव्ड इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस गुले राणा जी. आपकी पॉलिटिकल जर्नी के लिए भी, आपके थिएटर के लिए भी, आपकी जो टीवी के ऊपर परफॉर्मेंसेस, इतनी सारी चीजों के सब के लिए विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू, इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर. आपने हमें टाइम दिया एंड आई एम श्योर कि आपके इस इंटरव्यू की वजह से बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स एक्ट्रेसेस को बहुत अच्छी अच्छी बातें भी पता चली होंगी एंड मे बी देयर आर मार भी पड़ेगी मुझे, बट मे बी देयर आर अ फ्यू लेसंस टू बी लर्न फॉर एवरीबॉडी. आई होप कि वो लेसन ही हो, कोई क्रिटिसिज्म ना समझे. थैंक यू वेरी मच. मुझे शुक्रिया करने दें आपका कि आपने मेरा इंटरव्यू करने के लिए मुझसे कहा. And I'm honored. Thank you. Thank you, man. Thank you very much.